दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय मेक माई एडवर्टाइजमेंट। खेल संग्राम में आप सभी का स्वागत है। रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला विदर्भ और सौराष्ट्र के बीच खेला जा रहा है, जहां पहला दिन सौराष्ट्र के गेंदबाजों के नाम रहा और विदर्भ ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 200 रन बनाए। तो ये नजर डालते हैं नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जा रहे इस फाइनल मुकाबले के पहले दिन पर। टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने उतरी विदर्भ की शुरुआत खराब रही। संजय रामस्वामी 2 और वसीम जाफर 23 रन बना जयदेव उनादकट का शिकार बने। 16 रन बनाकर खेल रहे कप्तान फैज फजल रन आउट हुए। इसके बाद मोहित काले ने 35 और गणेश सतीश ने 32 रन बनाए और टीम का स्कोर 100 रनों के पार कराया। आदित्य सरवते 0 पर आउट हुए। वहीं 45 रन की पारी खेलने के बाद अक्षय वाडकर पवेलियन लौटे। इस तरह पहले दिन का खेल खत्म होने तक विदर्भ ने 7 विकेट पर 200 रन बनाए। अक्षय करनेवार 31 और अक्षय वखारे 0 के स्कोर के साथ क्रीज पर मौजूद है। अब दूसरे दिन विदर्भ की टीम अपनी पहली पारी में बचे हुए 3 विकेटों के साथ स्कोर को आगे बढ़ाना चाहेगी, लेकिन सौराष्ट्र की बेहतरीन गेंदबाजी को देखते हुए विदर्भ के लिए स्कोर में 50 रन और जोड़ पाना आसान नहीं होगा। अब देखना होगा कि सौराष्ट्र की टीम पहले सत्र में विदर्भ की पारी का अंत कर पाती है या नहीं।